नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र में। मित्रों, हमने पीछे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ सूत्रों पर बात करना शुरू किया है। आज उसी सीरीज में हम फिर से बैठे हैं अपनी बहन इंदु शर्मा जी के साथ। इंदु जी के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हमने गोचर, गुरु के गोचर से संबंधित एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत ही बेहतरीन कुछ प्रेडिक्शंस थी जो आज सत्य हो चुकी है। मेरा सभी से आग्रह रहेगा वो वीडियो एक बार सभी जने दोबारा देखें, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंदु जी, आपका हृदय से स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। तो आज आप कारकांश के कौन से विषय को ले रहे हैं? पिछली वीडियो में हमने आत्माकारका, आत्मा और सिग्निफिकेटर के बारे में चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे कि आत्माकारका का नवमांश में क्या रोल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लग्न, नवांश के लग्न को हम लोग लग्नमांशा बोलते हैं। लग्नमांशा का मतलब होता है आसानी से किसी लग्न को मिल जाना, या ये कह लो आत्मा का लग्न। दूसरा है कारकामशा। कारकामशा क्या होता है? कारकांशा को अगर डिफाइन किया जाए तो आत्मा कारका का जब नवांश में संबंध देखा जाता है, या ये कह लो कारक प्लस अंश, कारकांश, नवांश में जाकर के आत्मा कारका किस राशि में बैठा है, भाव में बैठा है, ये मैटर नहीं करता। किस राशि में आत्मा कारका जो कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री लेके बैठा हुआ होता है, हमें केवल उसको देखना है। तो जिस राशि में आत्मा कारका बैठा हुआ होता है, उस राशि को हम D1 चार्ट में देखते हैं, तो वो हमारा कारकांश लगना कहलाता है। कारकांश लगना और लग्न मांशा दोनों क्या है? दोनों के बीच में एक और छोटा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, और उस डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग स्वांश का यूज करते हैं। स्वांश क्या होता है? स्वांश होता है स्व, स्व मतलब सेल्फ, खुद, ओन, मास्टर, लॉर्ड, या जो आत्मा कारका को रेफरेंस करता है। और आमशा का मतलब होता है डिविजन, नवांश में किस डिविजन में ये जाता है, उस चीज को हम स्वांश बोलते हैं। जब कारकांशा को और लग्नमांशा के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध बन जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ रियलाइजेशन का संबंध बनता है, या आत्म साक्षात्कार यहाँ पर हो जाता है। और अगर ये संबंध स्ट्रांग ना हो, कुंडली में षडाष्टक के रूप में ये बैठे हों, छियां के रूप में बैठे हों, तो इस इंसान की लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रहती है, बहुत मेहनत के बाद उनका भविष्य बनता है। तो कुल मिलाकर के कारकांश और लग्नमांशा दोनों की अगर बात की जाए, तो उन दोनों के डिफरेंस को हम स्वांशा कहते हैं। यदि इसका संबंध स्ट्रांग रूप से बन जाता है, तो हमारे आत्मा कारका को पावर मिल जाती है। यदि आत्मा कारका किसी भी तरीके से अफ्लिक्टेड हो, या कोई मैलेफिका या किसी भी तरीके का उसमें अफ्लिक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कारकांश के जो 12th हाउस होते हैं, उस 12th हाउस में हम लोग इष्ट का भी निर्धारण करते हैं। कारकांश के 12th हाउस यदि उसमें कोई ग्रह बैठा हो, या फिर उसकी राशि के हिसाब से, यदि जो भी व्यक्ति भगवान में विश्वास या आस्था रखता है और उसके जीवन में कई तरीके की परेशानियां हैं, तो वो उस तरीके की डाइटी से, या वो जो भगवान को वो भाव जो शो कर रहा है, उनकी आराधना साधना करके भी वो अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी इसको डिफाइन किया था। तो कारकांश, लग्नमांश और स्वांश, अगर इन तीनों के लग्न में शुभ ग्रह हो, या तीनों शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। तो कारकांश, स्वांश और लग्नमांश तीनों को इस तरीके से समझा जाए, तो बहुत अच्छी तरीके से हमें जैमिनी के कारकांश समझ में आते हैं। अगर हम स्वांश की बात करते हैं, तो स्वांश में भी लग्न के अलावा 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस भी अगर स्ट्रांग हो, बेनिफिक प्लैनेट हो, या बेनिफिक प्लैनेट से वो अफेक्टेड हो, तो भी ये एक तरीके का राजयोग कहा जाता है। बेसिकली कारकांशा से क्या होता है, कारकांशा से मेटेरियलिस्टिक लाइफ को देखा जाता है, जबकि स्वांश से आत्मा की डिजायर्स देखी जाती है, या ये कह लो कि आत्मा जो काम कराना चाहती है
अपने स्पिरिचुअल लेवल के जरिए, वो स्वांश के ऊपर निर्भर करता है। अब अगर हम आत्माकारका की बात करते हैं, यदि आत्माकारका नवमांश में बहुत अच्छी पोजीशन लेके बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो आत्मकारका को वैसे ही पावर मिल जाए। यदि आत्माकारका से 12th हाउस की बात करें या आत्मकारका पे किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, तो आत्माकारका बहुत शुभ हो जाता है, चाहे वो मैलेफिक हो चाहे वो बेनिफिक। यदि मान लीजिए आत्मकारका के 12th भाव में भी कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो हम ये कहते हैं कि आत्माकारका का जो इफेक्ट है वो पीछे के घर से भी आ रहा। तो आत्माकारका में यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे इंसान को अपने जीवन में मोक्ष मिल जाता है। और यदि आत्माकारका के ऊपर शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों के प्रभाव है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है स्वर्ग में भी जा सकते हैं। यदि आत्माकारका के ऊपर मैलेफिक इफेक्ट ज्यादा है, आगे पीछे या किसी भी तरीके से एस्पेक्ट भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, तो दे अटेंड नाइदर हेवन नॉर हेल। तो कुल मिलाकर के कारकांश लगना और स्वांश लगना और आत्माकारका का बहुत गहरा संबंध। अब यदि हम ये देखें कि कारकांश बनता कैसे है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कारकांशा क्या है और स्वांशा क्या है, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट। कारकांशा मोस्टली यूज किया जाता है, जबकि स्वांश का यूज बहुत कम किया जाता है। यदि हम D9 के आत्माकारका के लॉर्डशिप की बात करते हैं और उसको लग्न में बनाकर D1 के सारे ग्रहों को कारकांशा में लगाते हैं, तो वो कारकांश कहलाता है। और यदि हम D9 के ग्रहों को आत्माकारका का लग्न बनाकर D9 के सारे ग्रहों को उसमें शिफ्ट कर देते हैं, तो वो स्वांश कहलाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसके जो परफेक्ट रिजल्ट है वो कारकांशा से ज्यादा स्वांशा में आते हैं। मैं एक बात और यहाँ दर्शकों से कहना चाहूंगी, कारकांशा केवल प्रोफेशन के लिए ही नहीं देखा जाता। कारकांशा में जीवन की जितनी भी चीजें होती हैं, आपके मैरिड लाइफ हो गई, एजुकेशन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, आपका देवता हो गए, आपके देवी देवता हो गए, आपके हर तरीके के कर्म जो हैं वो कारकांशा से देखे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कारकांशा लग्न। कारकांशा लग्न में अगर लग्नेश मेष राशि का हो, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी, अगर आप लोग जैमिनी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो कृपया करके नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। यदि को मैं थोड़ा देखूंगी, यदि कारकांशा लग्न में मेष लग्न बनता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर थोड़ा एनिमल का डर रहता है। एनिमल का डर क्यों रहता है, क्योंकि वहां पर मार्स जब लग्नेश बनता है तो उसकी पोजीशन अष्टमेश भी है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। यदि हम तौरत लग्न की बात करते हैं कि यदि कारकांशा लग्न तौरत का बनता है, तो यहाँ पर जानवरों में जैसे गाय होती है, भैंसे होती हैं, इनसे लोगों को हैप्पीनेस मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये लग्न में आपका वृषभ आता है, तो छठे घर में जाकर के इसकी तुला राशि आती है, जो आपके प्रोफेशन को भी शो करती है और आपके इंटरेस्ट को भी शो करती है। तीसरी बात है, अगर हम जैमिनी की बात करते हैं कि जैमिनी लग्न अगर कारकांश लग्न में बनता है, तो यहाँ पर जातक ओवरवेट हो सकता है या उसको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पर भी अगर हम मिथुन लग्न बनाते हैं, तो चौथे घर में आपकी कन्या राशि पड़ती है, तो एक तरीके से ये केंद्राधिपति दोष भी यहाँ पर कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर जब कारकांशा लग्न बनता है, तो यहाँ पर कुछ तरीके की वॉटरी डिजीजेस होने की संभावना रहती है। अगर यहाँ पर चंद्रमा एफ्लिक्टेड बहुत ज्यादा है, तो ब्लैक लेप्रोजी भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम लियो की बात करते हैं कि लियो अगर यहाँ पे सूर्य लग्नेश बनता है, तो क्या होता है, यहाँ पर कैनाइज से डेंजर होने की संभावना रहती है। यदि हम वीरगो की बात करते हैं, तो वीरगो में क्या होता है, ट्रबल फ्रॉम वेट प्रॉब्लम अगेन एंड स्किन एलर्जी अगेन। उसके बाद बात करते हैं लिब्रा की। तुला राशि अगर कारकांशा लग्न में बनती है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुला राशि जो नैसर्गिक 7th हाउस की राशि मानी जाती है, जो ट्रेड की राशि है, बिजनेस की राशि है, तो ये यहाँ पर शुभ मानी जाएगी। शुभ क्यों मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो तुला लगन है उसके हिसाब से अष्टम भाव भी, इसका वृषभ लगन अष्टम भाव में भी पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन स्कॉर्पियो। क्यों,
क्योंकि स्कॉर्पियो साइन वॉटरी साइन है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है वॉटरी साइन है तो यहाँ पर वॉटरी डिजीजेस होने की संभावनाएं रहती हैं। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले आपके रेप्टेलियाज होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका डर भी रहता है। यदि कर्कश लग्न 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में पड़ता है तो आपका जो फर्स्ट हाफ है वो फर्स्ट हाफ आपको वॉटरी डिजीज दे सकता है, लेकिन जो आपका 15 to 30 degree तक का अगर ये आता है तो ये आपको रेप्टाइल्स से मतलब रेप्टेलियाज जो होते हैं उनका डेंजर भी देता है। अगर हम सेगिटेरियस साइन की बात करते हैं कि सेगिटेरियस साइन लग्न में बनती है तो ये डेंजर होता है एक्सीडेंटल केस के लिए, क्योंकि ये किसी भी हाइट से गिरने का डर दिखाता है। अगर कैप्रिकॉन की बात करते हैं तो कैप्रिकॉन में भी पानी के जानवरों के बारे में बात होती है, बर्ड के बारे में बात होती है, स्प्रिट के बारे में बात होती है, और इसके साथ साथ स्किन की एलर्जी भी बहुत होती है। आपको याद होगा जब हमने गुरु ट्रांसिट की बात पर गोचर का हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भी कैप्रिकॉन को जितना हो सका मैंने अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की थी। तो कैप्रिकॉन लग्न और कैप्रिकॉन राशि भी बहुत ज्यादा उथल पुथल वाली राशि है, बहुत तकलीफें भी देती है ये राशि। अब बात करते हैं कुंभ राशि। यदि कुंभ राशि कारकांश लग्न में बनती है तो ये कंस्ट्रक्शन को शो करती है, किसी भी बिल्डिंग को अगर सेटअप बताना हो, लेक बनाना हो, गार्डन बनाना हो, या किसी भी तरीके की बिल्डिंग को शो करता है, रोड को शो करता है। यदि मीन राशि कारकांश लग्न में पड़ती है तो ये मीन राशि क्या करती है, मीन राशि रिलीजियस साइन है, मोक्ष की साइन है, लॉ अबाइडिंग की साइन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कारकांश लग्न से यदि केंद्र में शुभ ग्रह हो तो ये भी बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है लियो लग्न में। तो कुल मिलाकर के आत्मा कारक को अगर अच्छे से डिफाइन करना है तो कारकांश की ये स्टडी करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको हम कारकांश लग्न में हम थोड़े ग्रहों को बिठाकर देखते हैं कि लग्न में या किस कौन कौन से ग्रह हैं जो अपने फल जातक को देते हैं, तो आप लोग उसको नोट डाउन करना शुरू करिए। यदि कारकांश लग्न के कारकांश लग्न में सूर्य बैठा हो तो ऐसे जातक गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं, पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, सोशल सर्विस वाले होते हैं, रॉयल असाइनमेंट होता है, वेदांत और नॉलेज इनको बहुत ज्यादा होती है। यदि कारकांश लग्न में चंद्रमा हो तो इनको सेंसुअल प्लेजर होती है, लग्जरी लाइफ जीते हैं, वॉटरी लिक्विड से संबंधित इनको काम करने का शौक होता है, या फिर ये कह सकते हैं अगर इनके ऊपर वीनस का इफेक्ट भी आ जाए तो इनको म्यूजिक से भी बहुत ज्यादा शौक होता है। कई बार मैंने देखा है स्वांशा में भी, फिफ्थ हाउस में मैंने बहुत जगह देखा है, अगर फिफ्थ हाउस में भी चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति सिंगर दिखे हैं, उनको सिंगिंग का म्यूजिक का बड़ा शौक होता है। दूसरी बात, अगर लगन में मार्स आएगा तो मार्स क्या करेगा, आर्म फोर्स वारफेयर फायरवर्क वेपन और ज्यूरिडिक्शन ये इफेक्ट देता है कारकांश लग्न के लग्न में मंगल। अब मरकरी की बात करते हैं, मरकरी अगर लग्न में आता है तो बिजनेस ट्रेडर लीगल लॉन्स आर्ट स्क्रप्चर इंटेलिजेंट, जुपिटर आता है तो कर्मयोगी फिलोसफर प्रीचर स्पिरिचुअल नॉलेज लर्नर इंटेलिजेंट। इसके अलावा वीनस अगर वहां पर आता है तो वो लग्जरी को शो करता है, या ऐसे लोगों को लग्जरी लाइफ जीने का बड़ा शौक होता है, या ये कह लो कि जो भी चंद्रमा के द्वारा जो भी इनकम हो रही होती है उस चंद्रमा अगर वीनस के ऊपर भी चंद्रमा का इफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, चंद्रमा की जो भी इनकम होगी वीनस उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी इनकम को वो खुद गेन कर लेता है। केमिकल है, लिक्विड है, लव एंगल है, स्पीकर है और पॉइंट भी है। जो भी राइटर्स होते हैं उनके लग्न में भी शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा कारकांश लग्न में। यदि सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न क्या करता है, हर तरह के मतलब सक्सेस इन एक्टिविटी ऑफ एनी प्रोफेशन ऑफ फैमिली। सैटर्न जो है वो फैमिली के साथ जो भी काम फैमिली का होता है उसमें इन्वॉल्व होता है यदि सैटर्न लग्न में हो। और मैन्युफैक्चरिंग में भी यदि राहु का इफेक्ट भी शनि के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग में भी उतर जाते हैं। यदि राहु लग्न में हो तो थीफ बोमैन डॉक्टर पॉइजन केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग, बोमैन होता है जो बहुत छोटे लेवल का काम करता है। इसके अलावा यदि लग्न में केतु आ जाता है तो केतु क्या करता है, केतु
एलिफेंट से अर्निंग कराता है। आपने देखा होगा जितने भी महावत होते हैं ये एलिफेंट को लेकर के ही अपनी अर्निंग शुरू करते हैं या अर्निंग कर रहे होते हैं, उसको केतु के अंडर में आता है। उसके अलावा रिपेयरिंग जो छोटे मोटे काम होते हैं मशीन से रिलेटेड, नॉलेज, कंप्यूटर, थीप, स्विंडलर जो ठग होते हैं, एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिशियन। इसके अलावा यदि लग्न में चंद्रमा और बुध का इफेक्ट हो तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर भी बन सकते। अब हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए किसी भी जातक की कुंडली में या किसी इनको लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत है कि भाई हमारे काम नहीं बन पा रहे, सबसे पहले हम लग्न की ही बात करेंगे क्योंकि लग्न कारकांश का स्वांश का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे एक एग्जाम्पल कुंडली के समझने की कोशिश करेंगे ताकि दर्शकों को समझने में दिक्कत नहीं आए। अब हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए कि किसी भी जातक की कुंडली में कारकांश लगना में भी उसको सेटिस्फेक्टरीली रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करेगा? यदि आत्मा कार्य का भी उसका डिफीट है तो वो अपने कारकांश लग्न के 12th हाउस में बैठे हुए ग्रहों की रेमेडी कर सकते हैं। अब 12th हाउस में रेमेडी कैसे की जाएगी, कैसे उनको पता चलेगा कि कौन सी ग्रह की रेमेडी हमें करनी है? यदि कारकांश लग्न के 12वें घर में, कई बार हम लोग कहते हैं इष्ट देव का निर्धारण कैसे करें, कुछ लोग कहते हैं कि 5th हाउस देखो, कुछ लोग कहते हैं 9th हाउस देखो, तो 5th हाउस और 9th हाउस भी आपके कारकांश लग्न में डाइटी को आपकी शो करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्क्रिप्चर हमारे कहते हैं कि कारकांश से 12वें घर में अगर ग्रह बैठे हैं तो उनसे संबंधित ही आपको पूजा वगैरह आराधना अपनी करनी चाहिए। तो यदि कारकांश लग्न के 12th हाउस में सूर्य बैठे हैं तो आप शिव को आराधना कर सकते हैं, आदित्य की, प्रजापति की कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है आपके अग्नि को अग्नि के तत्व माने जाते हैं। उसी तरीके से यदि चंद्रमा बैठे हो 12th हाउस में तो आप गौरी को या शक्ति को, गौरी मतलब पार्वती को, या फिर आप शक्ति की आराधना कर सकते हैं। यदि वीनस बैठे हो तो आप लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। यदि आपके मार्स बैठे हैं तो आप स्कंद माता की कर सकते हैं या फिर कार्तिकेय की भी पूजा कर सकते हैं। जुपिटर बैठे हैं तो जुपिटर दोबारा से शिव को इंडिकेट करते हैं, या फिर आप किसी साधु संत की भी सेवा कर सकते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की भी सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बुध और शनि बैठे हैं कारकांश लग्न के 12th हाउस में तो आप विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर राहु बैठे हैं तो आप दुर्गा की या सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। अगर केतु बैठे हुए हैं तो या आप यहाँ दोबारा से स्कंद माता की या फिर गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अग्नि का जो है वो लॉर्ड सन और मार्स है, उनके देवता सूर्य, आदित्य और प्रजापति हैं। जल की बात करते हैं तो शुक्र और चंद्रमा होता है जो उनकी देवी गौरी और शक्ति उनके देवता है। पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ लॉर्ड मरकरी आता है और उनके देवता भी गणेश और विष्णु है। वायु की बात करें तो शनि इसके तत्व है और देवता की बात करते हैं तो विष्णु और शिवा, और आकाश शक्ति की बात जब हम करते हैं तो जुपिटर का ये होता है और इसके देवता शिवा विष्णु है। साथ ही साथ आप किसी भी संत की भी सेवा कर सकते हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान कर सकते हैं, तो आपका जुपिटर भी वैसे स्ट्रांग हो जाएगा। अब इसी चीज को, स्वांश को और कारकांश को समझने के लिए हम एक कुंडली को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप इस कुंडली में देखेंगे, इस कुंडली में लग्न जो है आपका लग्न वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में राहु बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं आत्मा कारका की। आत्मा कारका जो कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री लेकर बैठे हुए होते हैं, इस कुंडली में आप देखेंगे तो सूर्य की डिग्री सबसे ज्यादा है। सूर्य आपका एग्जॉल्टेड होकर के 6th भाव में बैठा हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य 6th भाव में है। तो अब नवांश में जाकर के हम इसकी पोजीशन देखेंगे कि सूर्य जो है नवांश में जाकर के किस राशि में चले जाते हैं। तो नवांश में जब हम जाएंगे तो सूर्य जो है वो धनु राशि में आते, धनु राशि में सूर्य शनि के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ से भी हम अगर D1 देखते हैं और D9 देखते हैं तो 10th हाउस में हमें कुछ भी नजर नहीं आता कि इनका प्रोफेशन या इनकी लाइफ क्या हो सकती है। तो इस चीज को डीपली समझने के लिए हम लोग इसका कारकांश बनाएंगे। कारकांश कैसे बनेगा? जो D9 के ग्रह, D9 में जब आपका आत्माकार का जिस राशि में जाता है उसको हम कारकांश का लग्न बना देंगे।
धनु राशि को हम कारकांशा का लग्न बनाते हैं और डी वन के सारे ग्रहों को कारकांशा लग्न में वैसे के वैसे स्थापित कर देंगे। तो कारकांश लग्ना जब हम देखेंगे तो कारकांशा लग्ना में आप देखेंगे कि जुपिटर सॉरी कारकांशा लग्ना में धनु लग्ना आपका ये बन रहा है, लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है और एग्जॉल्टेड होकर के सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दशम भाव में केवल शुक्र का इफेक्ट है। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, कारकांश और स्वांश जो लग्ना है ये ऋषि पराशर ने भी अपने सृष्टि में लिखा है और ऋषि जैमिनी ने भी लिखा है। तो अगर हम कारकांश लग्ना को और स्वांश लग्ना को पराशर और जैमिनी दोनों से देखें तो हमें इसके रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है और ना ही दशम भाव में कोई ग्रह है, लेकिन दशम भाव को शुक्र एग्जॉल्टेड होकर के देख रहे हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है और साथ में मंगल भी जो है आपका जैमिनी दृष्टि से भी मंगल यहाँ पर दशम भाव को देखते हैं और अगर हम पराशर की बात करते हैं तो भी मंगल जो है वो टेंथ हाउस को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर टेंथ हाउस पर मंगल का और शुक्र का दोनों का संबंध बनता है। तो कारकांश लग्न में जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो लग्न को और टेंथ हाउस को दोनों को कंसिडर किया जाए। यहाँ पर लग्न में भी कोई ग्रह नहीं है, टेंथ हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है, लेकिन शुक्र और मंगल दोनों देख रहे हैं। अगर हम इस चार्ट को अच्छी तरीके से देखें तो हमें समझ में आएगा मंगल जो है वो डी वन का आपका लग्नेश है, नवांश में भी मंगल आपका डी वन का लग्नेश है। यहाँ पर मंगल जो है वो आपका फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड आपके एजुकेशन को शो करता है। यहाँ पर मंगल फिफ्थ लॉर्ड होकर के आत्माकारका के साथ वहीं बैठे हुए आत्माकारका और मंगल की जो दूसरी राशि है वो ट्वेल्थ हाउस को कंसिडर कर रही है जहां पर राहु बैठे हुए हैं। तो टेंथ हाउस पे जब मंगल और शुक्र का इफेक्ट होता है तो ये मेडिसिन को शो करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि शुक्र जो है छठे भाव षष्टेश भी है, षष्टेश छठा भाव जो होता है वो हीलर की तरह भी काम करता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। मंगल जो है वो आपका ट्वेल्थ लॉर्ड है, मंगल ट्वेल्थ लॉर्ड होकर के हॉस्पिटल से संबंधित चीजों को इंडिकेट करता है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, अगर हम देखें तो राहु और शुक्र का भी नव पंचम योग बन रहा है। चौथे घर में एग्जॉल्टेड होकर के वीनस बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मेडिसिन का काम करते हैं, ये फार्मा की इन्होंने एजुकेशन ली है। यहाँ पर भी अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो हम स्वांश में जाते हैं। स्वांश लग्न आप देखेंगे तो स्वांश लग्न में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से इनका प्रोफेशन हमें देखना चाहिए। स्वांश लग्न में आप देखेंगे, अभी अभी हमने बात की थी कि कारकांश लग्न में या स्वांश लग्न में यदि लग्न में ग्रह बैठे हुए हों तो वो व्यक्ति जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होता है या फिर उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल होता है। पिछले कई सालों से गवर्नमेंट जॉब की तलाश में थे, फार्मा करने के बाद भी इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, लेकिन ये आज तक उसके लिए प्रयत्नशील है। उन्हें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल उनको एक गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल जाएगी। अब यहाँ पर लग्न में बैठे हुए सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य यहाँ पर आत्माकारक है जो हम जानते हैं। शनि जो है अगर हम जैमिनी दृष्टि की बात करें या पराशर दृष्टि की बात करें तो शनि जो है वो टेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर और मरकरी भी टेंथ हाउस को देख रहे हैं। जुपिटर क्या है आपका? जुपिटर लग्नेश है और आपका मरकरी क्या है? मरकरी आपका दशमेश है। तो कुल मिलाकर के इनकी एजुकेशन फार्मा की है, क्योंकि तीनों ग्रह शुक्र भी जुपिटर मरकरी और सैटर्न तीनों के तीनों ग्रह जो है वो आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन इनको गवर्नमेंट जॉब श्योरिटी से मिल जाएगी, क्योंकि लग्न में बैठे हुए आत्माकार का सूर्य इस चीज का प्रॉमिस दे रहे हैं। तो कारकांश लग्ना को अगर देखें और स्वांश लग्ना को देखें तो बहुत डीपली आपको समझ में आ जाएगा कि कारकांशा लग्ना और स्वांश लग्ना में कितना डिफरेंस है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज की डेट में कारकांश लग्न को और स्वांश लग्न को समझने में लोग थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। जो चीज कारकांश लग्न से समझ में नहीं आती है उस चीज को आप स्वांश लग्न से बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं हमेशा कहती हूँ अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने सवाल करें, कमेंट करें, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले और हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उत्तम, बेहतरीन वीडियो, जिसे मैं कह सकता हूँ कि इतनी बारीकी से एक एक चीज को पूरी तरह से सामने ऐसे ले आए हो आप कि उसको बहुत सरलता से समझा जा सकता है। थोड़ा सा प्रयास कोई भी करेगा तो आज की जो वीडियो है वो इतना अच्छा एजुकेशनल वीडियो है। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि इसके नोट्स बनाएं, लिखें, बार बार अप्लाई करके देखें, आपकी प्रैक्टिस आपको इस सब्जेक्ट की मास्टर बना सकती है। एक बहुत बेहतरीन वीडियो के लिए हृदय से आभार, धन्यवाद, नमस्कार।